चैत्र नवरात्र के चौथे दिन जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हेतु साधक व्रत उपवास भी रखते हैं। शास्त्रों में माँ कूष्मांडा की महिमा का गुणगान किया गया है। माँ कूष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की है, इसके लिए माँ कूष्मांडा को जगत जननी आदिशक्ति भी कहा जाता है। इनका निवास स्थान सूर्यलोक में है। माँ कूष्मांडा के मुखमंडल पर तेजोमय आभा झलकती है। इस कांतिमय आभा से समस्त लोग प्रकाशवान होते हैं। माँ की सवारी शेर है। माँ कूष्मांडा अष्टभुजाधारी हैं। धार्मिक मत है कि माँ की उपासना करने वाले साधकों की हर मनोकामना पूरी होती है। ज्योतिषों की माने तो चैत्र नवरात्र के चौथे दिन दुर्लभ भद्रावास का योग बन रहा है। चैत्र नवरात्र की चतुर्थी तिथि दोपहर 1:11 तक है। इसके बाद पंचमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। इस दिन अभिजीत मुहूर्त 11:56 से दोपहर 12:47 तक है। इस समय माँ कूष्मांडा की पूजा अर्चना आप कर सकते हैं। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन कृतिका नक्षत्र का संयोग बन रहा है। कृतिका नक्षत्र पड़ने वाले दिन मासिक कार्तिकायी मनाई जाती है। ज्योतिषों की माने तो चैत्र नवरात्र के चौथे दिन दुर्लभ भद्रावास योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण दोपहर 1:11 तक है। इस समय में माँ कूष्मांडा की पूजा उपासना करने से साधक को सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में निहित है कि भद्रा के स्वर्ग या पाताल लोक में गमन या इन दोनों लोकों में रहने के दौरान पृथ्वी के समस्त जीव जंतु पशु पक्षी और मानव जगत का कल्याण होता है।